नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। T20 विश्व कप में आज का मुकाबला श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है। आज इस विश्व कप में इंग्लैंड की टीम पहली बार पहले बल्लेबाजी करने उतरी है। इस मुकाबले में आज शुरुआत में इंग्लैंड की पूरी ही टीम लड़खड़ाती हुई दिखाई दी और श्रीलंका की जबरदस्त गेंदबाजी के आगे ढेर होते नजर आई। मगर आज इस पारी में इंग्लैंड के लिए जॉस बटलर एकमात्र ऐसे बल्लेबाज दिखाई दिए जिन्होंने इस पारी के दौरान बिखरती हुई इंग्लैंड की बल्लेबाजी को संभालने का काम किया। बटलर ने आज धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए शानदार शतक लगाया है और इस विश्व कप का ये किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाया गया पहला शतक है। बात करें अगर बटलर की, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भी नाबाद 71 रनों की पारी खेली थी और आज भी वो नाबाद ही मैदान से बाहर लौटे हैं। आज इस मैच में जॉस बटलर पारी की शुरुआत करने आए, तभी से ही इंग्लैंड ने अपनी विकेट गंवानी शुरू कर दी। आज इंग्लैंड के लिए जेसन रॉय, डेविड मलान जैसे बड़े नाम बुरी तरह से असफल हुए। वहीं बटलर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, मानो उनके लिए ये पिच अलग पिच हो। इंग्लैंड के लिए बटलर लगातार रन बना रहे हैं, मगर आज जो बटलर ने किया उसे इंग्लैंड काफी लंबे समय तक याद रखेगा। बटलर ने आज 67 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद शानदार 101 रनों की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने लगभग सभी लंकाई गेंदबाजों की जबरदस्त मार लगाई। बटलर ने आज अपनी पारी में 6 छक्के जड़े और इंग्लैंड की टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुँचाया। बटलर की इस पारी में साथ निभाया कप्तान ऑयन मॉर्गन ने, जो एक छोर पर अंत तक खड़े रहे और टीम के लिए महत्वपूर्ण रन्स बनाए। आपको बता दें कि बटलर ने करियर का पहला शतक लगाया है। जॉस बटलर ने अपनी पारी में कई ऐसे शॉट्स खेले जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। अब देखना होगा कि इंग्लैंड के गेंदबाज बटलर की इस पारी को किस तरह से बचा पाते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।